नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जादुई करछी में। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। तो दोस्तों, वैसे आपने अपने जीवन में काफ़ी तरह तरह के साग खाए होंगे, लेकिन ये एक अनोखा साग है जो कि है लाल चौलाई। काफ़ी पौष्टिक होता है और साथ ही हमारे बाउल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में ये मदद करता है। चलिए इसे बनाना सीखते हैं। मैंने इस साग को कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब कढ़ाई गर्म होने के बाद 3 टेबलस्पून सरसों का तेल, यहाँ पर आप लहसुन और मिर्ची देख सकते हैं। क्वांटिटी की बात करूँ तो ये है लहसुन की कलियाँ करीबन 7 से 8 और मिर्ची है करीबन 5 से 6। काफ़ी लोग प्रेफर नहीं करते लहसुन, लेकिन लहसुन से साग में स्वाद बढ़ता है। इसे अच्छे से भून लें जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये हल्का सा गोल्डन ब्राउनिश हो गया है, खास करके लहसुन। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डाल दूंगी। क्वांटिटी की बात करूं तो ये है करीबन मीडियम साइज के 2 प्याज और इन सारे मिश्रण को अच्छे से हमें मिक्स करके ब्राउन करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउनिश ना नजर आने लग जाए। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। स्लो कुकिंग की बात ही अनोखी है, ये हमारे ट्रेडिशन में भी है। स्लो कुकिंग मेक्स फूड टेस्टियर। अब हम क्या करेंगे, बैचेस में साग को इसमें डाल करके पकाएंगे। बैचेस से डालने का क्या मतलब है, थोड़ा सा साग लिया और डाला और हल्का सा इसे पकाया। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा फिर हम दूसरा बैच लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे और उसे भी हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने अब दूसरा बैच डाल दिया है साग का, क्योंकि जो नीचे वाला बैच है वो थोड़ा सा गल गया है और वो पक गया है। अब ये देखिए, जो नमक है हम साग में हमेशा कम डालते हैं बाकी सब्जियों की तुलना में। अब हमें कुछ नहीं करना, जब हम इसे अच्छे से मिक्स कर ले नमक को पूरे साग में, इसे बस अब हम ढक करके पकाएंगे। अच्छा, मैं स्लो कुकिंग की बात कर रही थी, मीडियम फ्लेम में ही साग को हमें पकाना है। इसे ढक करके पकाए, हर 2 मिनट बाद आपको चेक करना पड़ेगा जब तक कि साग का पानी जो है वो सूख ना जाए। ये करछी से इसे ऊपर नीचे करते रहे ताकि अगर साग नीचे लग भी रही होगी कढ़ाई में तो वो नहीं लग पाएगी। फिर से इसे हम ढक देंगे और करीबन 2 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे। देखिए, इस तरह से पानी जो है कंपैरेटिवली पहले से ज़्यादा सूख चुका है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी और नज़र आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे थोड़ी देर के लिए और ढक देती हूँ और पका लेते हैं। अब चलिए इसे खोल करके देखते हैं। चलिए अब इसे हम करछी से चलाते हैं। आप देख सकते हैं पानी जो है अच्छे तरीके से सूख चुका है, साग जो है अच्छे से पक चुकी है। और यही तरीका है चौलाई साग बन गई है कि नहीं जानने का। यहाँ पर जो हमारी साग है वो बन करके तैयार है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। ये साग सच में काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे हेल्थ के लिए। आप इसे गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसे सर्व कीजिए, गरम गरम रोटी के साथ खाइए या चावल दाल के साथ खाइए, ये हर एक चीज़ के साथ लाजवाब लगेगा। आई होप आपको ये क्विक रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।